ये विषय है बच्चों का, बच्चों में डायरिया के बारे में। अगर हम पूरा देखते हैं तो ये दो भागों में होगा, एक कारण एवं बचाव। अगर हम देखते हैं तो आज के समय में बच्चों में, 5 साल से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये सारी बीमारियां हैं, जो कि हमें यूनिसेफ और WHO के द्वारा अलग अलग उनकी वेबसाइट पर शो की गई है, वहीं से हमने याद करा लिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये वाला हिस्सा है ये बच्चों में जन्म से उनके 28 दिन तक की मृत्यु को दर्शाता है, और जो ये वाला हिस्सा है ये दर्शाता है 5 साल तक की आयु के बच्चों का। तो इसमें आप दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ निमोनिया और डायरिया सबसे बड़े कारण हैं जो बच्चों की मृत्यु की वजह है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल डायरिया की। डायरिया का ऑलमोस्ट योगदान जो है अगर कहा जाए तो लगभग 11% का होता है 5 साल से छोटे बच्चों में मृत्यु का। डायरिया होता क्यों? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हम जब जाते हैं बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि बैक्टीरिया है, लेकिन वास्तव में जो बैक्टीरिया है वो इसका सबसे मुख्य कारक नहीं है, बल्कि जो सबसे मुख्य कारण है वो वायरस होता है, जो प्रोटोजोआ, फंगी ये होते हैं। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एकमात्र जो है बैक्टीरिया शिगेला जो बैक्टीरिया होता है ये पेट में जब हमारी आंतों में आता है तो इसकी वजह से डायरिया होता है, और जिसको कि ब्लडी डायरिया कहते हैं, जैसे खूनी पेचिश पड़ना ये होता है। बाकी के और तमाम जो भी डायरिया के कारण होते हैं उसमें मुख्यतः सबसे बड़ा चीज़ जो होता है, सबसे बड़ा कारक रोटा वायरस होता है। इसीलिए आपने सुना होगा आजकल रोटा वायरस वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, और एक लोगों में एक अंधविश्वास टाइप से कहा जा सकता है कि लोगों को लगता है कि बच्चों के खाने में बदलाव हो रहा है या फिर उनके दांत निकल रहे हैं, इस वजह से बच्चों में कहते हैं कि उसका इसलिए वजह से पेट ख़राब हो रहा है, बल्कि कारण उसके कुछ और होते हैं। डायरिया होने के सबसे मुख्य कारक जो कहे जा सकते हैं वो साफ़ सफाई का ना रखना, साफ़ पानी ना मिलना, साफ़ तरीके से खाना ना खाना, बच्चे में कुपोषण, या फिर कभी कभार HIV वायरस को भी इसके लिए ज़िम्मेदार कहा जा सकता है। अगर इसको देखा जाए एक दूसरे से पहुंचने में, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचने का सबसे बड़ा जो ज़रिया होता है वो अगर फीकल ओरल कहते हैं, यानी कि कुछ भी गंदा खाने से या फिर पीने से, मुख्यतः ये हमारे मुंह के माध्यम से ही पेट में जाता है। जो इसका वायरस या बैक्टीरिया होता है वो हमारे मुंह से ही पेट में जाता है। अगर हमने किसी ऐसे आदमी से हाथ मिलाया जिसका हाथ गंदा है, उसके हाथों में उस तरह का बैक्टीरिया या वायरस है, और हमने उससे खाना खाया, पानी पिया, तो हमारे पेट में गया, कुल मिला के जैसे ही ये वायरस हमारे मुँह से पेट में जाता है तो ये डायरिया होता है। और इसीलिए कहते हैं कि भाई खाना खाने से पहले जो है हाथ ज़रूर अच्छे से धो लेना चाहिए, और शौच के बाद तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो आप थोड़ी देर में इसे समझ सकते हैं कि बहुत से कारक हैं जिसमें मक्खी भी है, गंदा पानी है, साफ़ सफाई का ना होना, लेकिन अगर हम एक कोने से देखते हैं कि जो हमारा जो भी इसका वायरस है वहाँ से हमारे कुछ भी वजह से हमारे मुंह में जा रहा है, उस वजह से ये वायरस हो रहा है। अगर क्लिनिकल सिम्टम मानेंगे तो क्लिनिकली जो डॉक्टर होते हैं वो मानते हैं कि बहुत पतले पानी जैसे दस्त लगातार कई बार होना, स्टूल्स में खून आना, उल्टी, दस्त, प्यास लगना, और जीभ का सूख जाना, स्किन पिंच अगर करी जाती है चिकोटी काटने पर वो बहुत धीरे से नॉर्मल जा रही है, और अगर बहुत गंभीर हो जा रहा है तो इस कंडीशन में बहुत तेज़ सांस ले रहा है, आंसू नहीं आ रहे हैं, BP लो हो जा रहा है, ये सारे कारण हैं। लेकिन एक नॉर्मल माना जाता है कि बच्चा जो है ये डायरिया में एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो है डिहाइड्रेशन का शिकायत हो गया है। नॉर्मली अगर ये माना जाए तो डायरिया हम लोगों को ये लक्षण समझना चाहिए कि अगर किसी भी बच्चे में अचानक में उसके पैखाने की कंसिस्टेंसी में बदलाव होना, मतलब अगर वो बहुत पतला करने लगे और कई बार करने लगे तो उसको हम डायरिया मान सकते हैं, यानी कि उसके कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी में अचानक होने वाला बदलाव
ये डायरिया होता है। और आगे बढ़ते हैं, सामान्य तौर पे हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें खाना पचने की प्रक्रिया हो रही होती है, जिसको आप देख सकते हैं कि सामान्य तौर पे जब खाना पचता है तो पानी सोख लेता है भोजन से, और जब डायरिया के दौरान वह पानी नहीं सोख पा रहा होता। अगर हम और आसानी से समझना चाहेंगे चित्रों के माध्यम से, तो हमारी छोटी आंत की बनावट कुछ इस तरह से होती है। छोटी आंत एक नली की तरह होती है जिसमें जल और बाकी का भोजन अंदर की तरफ बहता रहता है, और इस छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं वो कुछ रेशेदार सी होती हैं, जिन्हें विलाई कहा जाता है। अगर विलाई को हम अनुप्रस्थ रूप से काटेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि अंदर में जो हमारे खून पहुंचाने वाली नलिकाएं होती हैं, जो जिनमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स और पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं, और वही हमारी नलिकाओं के माध्यम से, खून की नलिकाओं के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ डायरिया की बात करते हैं, तो डायरिया कितने प्रकार का होता है। डायरिया एक्यूट डायरिया होता है जो कि अचानक शुरू होता है और लगातार जो है 14 दिन तक रहता है, बीच बीच में उससे जल्दी ही ठीक हो जाता है, मतलब ये आता जाता एक तरह से रहता है। परसिस्टेंट डायरिया कहा जाता है कि लगातार वो कई दिन बना है, 14 दिन से ज़्यादा दिन तक लगातार बना रहता है। तो इस दौरान जो है अगर कहा जाए तो बच्चों में सबसे मुख्य कारण रह जाता है नुकसान का, वो परसिस्टेंट डायरिया ही होता है। तीसरा प्रकार होता है डिसेंट्री, इसको एक्यूट ब्लडी डायरिया कहते हैं, जिसमें कि बच्चे के जो पैखाना हो रहा है उसमें खून भी आना शामिल होता है, और ये एक मुख्य कारण होता है। इनमें से हमें एक्यूट डायरिया में इतनी चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि ये जल्दी होता है, जल्दी ठीक होता है। अगर केवल हम ORS का घोल पिलाएं तो बच्चा ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो डायरिया लगातार 14 दिन से ज़्यादा बना है तो ये परसिस्टेंट डायरिया है, हमें तुरंत से डॉक्टर से सहायता लेनी है। और अगर बच्चे के मल में खून दिखता है तो इस अवस्था में भी हमें लेना ही है। अगर हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन जो डायरिया के एक मुख्य जो है प्रभावों में से है, तो ये स्लाइड थोड़ी देर पहुँच करके आप देख सकते हैं। इसमें अगर कंडीशन एक नॉर्मल है, बच्चे की आंखें नॉर्मल हैं, टीयर्स आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, मुंह और जो जीभ है वो गीली है, प्यास उसको लग रही है, स्किन पीस आराम है, आराम से अगर छोटी काटते हैं और चमड़ी वापस जा रही है, तो ये नॉर्मल है, डिहाइड्रेशन नहीं है। लेकिन जो ये पीला और लाल वाला हिस्सा है, अगर इसमें से अगर कोई भी आता है, या बच्चे का शरीर सूख गया है, आंखें सूख गई हैं, आंसू नहीं निकल रहा है, और स्किन पिंच करने पे जो है वो बहुत धीरे से जा रहा है, स्लोली वापस जा रहा है, तो वो कंडीशन जो है डिहाइड्रेशन की शुरुआत है, या फिर डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो इस कंडीशन में बच्चे को मॉडरेट या सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है, और इसमें आपको एक नज़दीकी स्वास्थ्य प्रदाता जो हो उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके नज़दीक में आशा दीदी और आंगनवाड़ी दीदी होंगी जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं, तो उनसे बहुत जल्दी सलाह लीजिए, और हो सके तो किसी शिशु रोग विशेषज्ञ से अवश्य सलाह ले लीजिएगा। नॉर्मल सामान्य शरीर अगर बच्चे का देखेंगे तो वो स्पष्ट होता है, लेकिन जैसे ही डायरिया होता है और उसके दौरान डिहाइड्रेशन की स्थिति होती है, तो आंखें धंस जाती हैं, शरीर सिकुड़ जाता है, शरीर की मांसपेशियों में पानी कम हो जाने की वजह से जो है वो काफ़ी सिकुड़ सा जाता है, इस वजह से बच्चे का शरीर सूखा हुआ सा नज़र आता है। तो इसलिए हमें डिहाइड्रेशन से बचाना चाहिए। हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में हम अगर डिहाइड्रेशन नहीं भी हुआ है, तब भी हमें ये जानना है कि अगर बच्चा बिल्कुल भी खा पी नहीं रहा, यानी उसने खाना पीना बंद कर दिया है और कुछ भी खा रहा है वो उल्टी कर दे रहा है, झटके आ रहे हैं, या बेहोश हो गया है, तो इस कंडीशन में हमें तुरंत से तुरंत जो है नज़दीक के किसी भी स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ से, शिशु स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी है, उसके बाद तुरंत से तुरंत बच्चे को ले जाकर दिखाना है। इसके बारे में हम देरी नहीं कर सकते, अगर ये चार कोई भी डेंजर साइन हमको दिखाई पड़ते हैं तो ये खतरे के लक्षण है, हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर बात करते हैं, ये आता है कि डायरिया के दौरान बच्चों की मृत्यु क्यों होती है, तो डायरिया के दौरान जो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है वो यह होता है कि जब पूरे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो शरीर में पानी की बहुत अचानक में कमी होती है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रह जाते हैं, बच्चे का शरीर बहुत जल्दी से कुपोषित होता है, और शरीर में पानी ना हो जाने पे किडनी और जो हृदय है वो काम करना बंद कर देता है। इसी की वजह से
जो है बच्चे का जो है मल्टीपल, इसको एक तरह से कहा जाता है कि एक साथ सभी जो तंत्र हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं और बच्चे की मृत्यु हो रही है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इस अवस्था को कहा जाता है। तो बच्चे की मृत्यु का मुख्य कारण यही होता है। अगर डायरिया के और कुपोषण के साइकिल को समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बार डायरिया होता है तो बच्चे में बहुत भयंकर रूप से कुपोषण को जन्म देता है। कुपोषण होने के बाद जो है इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी जो है कम होते ही वो बीमारियों को निमंत्रण देती है, हर बच्चे को फिर से डायरिया होता है और ये एक चक्र चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। घर में बच्चे का अगर हमको स्वास्थ्य की देखभाल करनी है तो हमको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। डायरिया शुरू होते ही जैसे ही हमें समझ में आता है कि बच्चे को डायरिया हो चुका है, हमें तुरंत से तुरंत बच्चे को ORS का घोल बना के पिलाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन की शिकायत है, बच्चा कुपोषित रहा है या बच्चे के मल में खून आता है तो हमें तुरंत से तुरंत एक डॉक्टर के पास जाके मुलाकात करनी चाहिए हमें। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके बच्चे को अगर डायरिया होता है तो वो ये ध्यान रखें कि बच्चे को खाने पीने की चीज़ें नॉर्मली रूप से देती रहें, उसको ऐसे तत्व देते रहें जिससे उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति होती रहे। तो उसका रोज़ाना का खाना जारी रखें और साथ में उसको पीने के लिए अधिक से अधिक चीज़ें दें। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जो है बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना करें। अगर IV फ्लूड या फिर किसी तरह के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लगाएं। किसी मेडिकल स्टोर या इस तरह से झोला छाप के चक्कर में बिल्कुल से ना पड़ें। अगर बच्चा पी सकता है तो उसे ORS देते रहें और हमें नज़दीक के डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाना है। बात आती है, आजकल एक चर्चा में है कि डायरिया के दौरान बच्चों को जिंक देना आवश्यक होता है। भाई जिंक देना क्यों आवश्यक होता है? वो जिंक इसलिए होता है कि वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो शरीर में तत्वों को सोखने में मजबूत करता है। ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसके प्रयोग से जो है डायरिया नॉर्मली रूप से जल्दी ठीक होता है। और जो हमने बात की थी कि विलाई हो जो इन्फेक्टेड होती है तो जिसकी वजह से वो भोजन से पोषक तत्व नहीं ले पा रही है तो ये मदद करता है उस इन्फेक्शन को हटाने में, जिससे शरीर में पोषक तत्वों को सोखना शुरू हो जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे ध्यान देने बात ये है कि बच्चे की खुराक का ध्यान रखें, उसको जो खाता है वो भोजन जारी रखें, अतिरिक्त आहार दें, मीठे पदार्थ जैसे चाय या फ्रूटी वगैरह बिल्कुल ना दें, ये बंद कर दें। ORS के साथ ORS ना होने पर दाल का पानी, चावल का माड़, नारियल का पानी, नींबू की शिकंजी या नमक डालकर आदि देते रहें। नज़दीकी आशा दीदी से ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर से सलाह लेना बहुत समझदारी वाली बात होगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो डॉक्टर कोई झोला छाप ना हो या फिर कोई नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाला ना हो, किसी पढ़े लिखे MBBS या फिर कम से कम कोई ऐसा डॉक्टर हो जो BMS या BHMS हो या आपके नज़दीक का जो चिकित्सालय है PSC है वहाँ पे आप जाके सलाह लीजिए। बच्चों में सारे टीके समय से लगवाएं, सारे टीके लगने से बच्चों के शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बरकरार होती है, बच्चे कुपोषित नहीं होते हैं और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। कुपोषित ना होने के कारण डायरिया होने की संभावना कम होती है। बाहर के खाने जैसे चाट पिज्जा बर्गर इत्यादि से बचाएं बच्चों को। कम से कम 5 साल की आयु तक बच्चों को इन सब चीज़ों की आदत बिल्कुल ना डलवाएं। खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने की आदत ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। केवल बच्चे का नहीं, घर के जो बड़े हैं, माताएं बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे भाई हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो ये आदत अपनाएं। घर के आसपास सफाई रखें। आसपास सफाई रखने का मतलब ये नहीं कि घर का कचरा उठा के अपने बाहर सड़क पर डाल दिया, बल्कि कचरे को उसके निर्धारित स्थान पर फेंकें जहाँ से नगर पालिका या फिर अन्य कोई सफाई कर्मी आके इसको साफ़ कर दे, तो आपके आस पड़ोस का साफ भी होगा, हमारा देश भी स्वच्छ होगा, तो बीमारियाँ अपने आप कम होगी। पीने के साफ पानी का प्रयोग करें। घर में पानी को नॉर्मली ढक के रखें। जब भी प्रयोग के लिए पानी लाना है तो हमें पानी निकालते वक्त बर्तन से एक डंडी वाले
बर्तन का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो बर्तन है में पानी रखा है वो गंदा ना हो, पानी हमारा साफ़ रहे। अगर घर में कोई पानी साफ़ करने की मशीन लगी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि मशीनों में चुनाव जो है पानी साफ़ करने वाली मशीनों का चुनाव भी ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि ऐसी मशीनें भी आती हैं जो पानी से सारे तत्व निकाल देती हैं, जिस वजह से पानी में मौजूद तत्व जो हमारे लिए शरीर के ज़रूरी हैं वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इन मशीनों के चुनाव में भी ध्यान रखें। और आगे चलते हैं, ORS के प्रयोग का तरीका बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे में जैसे ही हमें डायरिया के लक्षण दिखाई पड़े तो याद रखिएगा डायरिया का एक ही लक्षण कि अगर बच्चे की जो शौच है उसकी फ्रीक्वेंसी में और उसकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क दिखाई पड़ता है, बदलाव है, तो वह डायरिया का लक्षण है। 3 से अधिक बार पतले पानी जैसे दस्त हुए हैं तो उसको डायरिया की श्रेणी में रखा जाता है। इस दौरान उसको ORS देना शुरू कर देना चाहिए। और ORS के पैकेट जो है मार्केट में 2 तरह के उपलब्ध हैं। पहला पैकेट जो आता है वो 4.2 ग्राम का होता है, जिसे दो छोटा पैकेट कहा जाता है। ये 200 ml पानी में एक बार घोला जाता है। यह घोल 24 घंटे तक बरकरार रहता है और इसको प्रत्येक दस्त के बाद जितना पी सके बच्चे को पिलाते रहना चाहिए। दूसरा पैकेट 21 ग्राम का मार्केट में उपलब्ध होता है, जो 1 लीटर पानी में पूरा घोला जाता है। यह भी 24 घंटे तक ख़राब नहीं होता, इसको प्रयोग किया जा सकता है और प्रत्येक दस्त के बाद जितना पी सके उतना पिलाना चाहिए। हम आमतौर पर ये कहेंगे कि 21 ग्राम का पैकेट कई बार लोग ख़रीद लेते हैं और उसको 1 लीटर पानी में ना घोल कर थोड़ा थोड़ा करके जो है ग्लास में बनाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। अगर 21 ग्राम का पैकेट एक बार में फाड़ रहे हैं तो उसको जो है पूरा का पूरा 1 लीटर पानी में घोलें, और अगर ज़रूरत है कि हमें एक ही ग्लास का प्रयोग करना है तो हमें छोटे वाले पैकेट जो मार्केट में उपलब्ध है वो ख़रीदने चाहिए। तो आज तक के लिए यही इतना है। अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में डालें, और हम आगे भी ऐसे वीडियो लाएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।